बेस्ट व्लॉगिंग स्मार्टफोन अंडर 45,000। तो भाई अगर आपने ट्रैवल वीडियोस करनी है, व्लॉगिंग करनी है, प्लस भाई अगर आप यूट्यूब वीडियोस वगैरह करते हो, रील्स बनानी है, टिकटॉक बनानी है, तो भाई ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। वीडियो को पूरा देखना, इसके ऊपर मत करना, स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार मेरा इंट्रो। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रॉबिन डोमिनोज, वेलकम टू दी ऑस्ट्रेलिया दी अनबॉक्सिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है यार मेरे चैनल पे। अगर चैनल पे नया चैनल को तो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक एंड इंस्टाग्राम पे करो फॉलो यार। लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चालू कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं, समय खराब नहीं करते, सीधी बात करते हैं नंबर फाइव की बात करूं। नंबर फाइव पर यार मैंने रखा है वन प्लस एट प्रो को। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूं, सबसे पहले इसका प्राइस जो है ना वो आपको 45,000 से थोड़ा सा ऊपर देखने को मिलेगा। आपको 1,000 या 2,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप 5% या 10% ऑफ ले लेते हो, आपको अंडर 5,000 नॉर्मली देखने को मिल जाता है। प्लस ये बहुत क्रिएटर्स के पास आपको देखने को मिलेगा। जो इंटरनेशनल क्रिएटर्स है ना, वो वन प्लस एट प्रो को बहुत पसंद करते हैं, बिकॉज इसका डिस्प्ले बहुत तगड़ा है। आपको प्रोसेसर भी तगड़ा मिल जाता है, उसके साथ साथ आप 4K में शूट कर सकते हो। इसका कैमरा, बैक कैमरा तो इसका बहुत ज़्यादा सही है। तो भाई अगर आपको एक कैमरे के रिलेटेड स्मार्टफोन चाहिए, तो वन प्लस एट प्रो भी आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। अगर आपने अभी तक नहीं चेकआउट किया था वन प्लस एट प्रो को, तो भाई मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, आप एक बार चेकआउट कर लेना, आपको बहुत पसंद आने वाला। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, डीपली मैं आपको बता देता हूँ। तो यार डिस्प्ले की बात करूँ, 6.78 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं, जो कि फ्लूइड डिस्प्ले है। तो इसका डिस्प्ले क्वालिटी बहुत तगड़ा होने वाला है। अगर आपने इंडोर यूज़ करना है आपके लिए, प्लस अगर आपने आउटडोर यूज़ करना है आपके लिए, ठीक है। प्रोसेसर की बात करूँ, आपको स्नैपड्रैगन 865 देखने को मिल जाता है, जो कि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। प्रोसेसर भी बहुत तगड़ा मिल जाता है। स्टोरेज की बात करूँ, आपको 8GB रैम मिल जाती है प्लस 120GB स्टोरेज। बैटरी की बात करूँ, आपको 4510mAh की बैटरी मिल जाती है प्लस 30W का फास्ट चार्जर। कैमरे की बात करूं, आपको क्वाड कैमरा मिल जाता है, 48MP प्लस 8MP प्लस 48MP प्लस 5MP। सेल्फी की बात करूं, आपको 16MP सेल्फी मिल जाती है। प्राइस की बात करूं, इसका प्राइस मैंने आपको पहले भी बता दिया कि आपको 48,000 के बजट में वन प्लस एट प्रो देखने को मिल जाता है। अगर आप एक्स्ट्रा पे कर सकते हो तो भाई आप चल जाना। एंड अगर आपको वन प्लस लवर हो, आपको डिज़ाइन अच्छा लगता है एंड स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, मतलब आपको अगर आपके दिल को लगता है वन प्लस 8 Pro, आप जा सकते हो। इसका भी लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देखने को मिल जाएगा। अगर आपने नहीं चेकआउट किया था, एक बार चेकआउट कर लेना। अभी आगे बात करते हैं नंबर फोर की बात करूँ यार। नंबर फोर पर मैंने रखा है MI 10 को। तो यार मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, आपको कैमरा एप्लीकेशन में ऐसे कई फीचर्स मिल जाएंगे जो कि आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, आपकी फोटोज होगी ना, वो बहुत ज़्यादा सही कर देगी, ठीक है। ये बेस्ट है फॉर कैमरा के लिए माना गया, ठीक है। अगर आपने सर्च आउट करना, आप यूट्यूब पे देख लेना MI 10 सिनेमेटिक शूट, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसी क्वालिटी मिलने वाली है, ठीक है। फ़ोन बहुत तगड़ा है, आप 8K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो बैक कैमरे में, जो कि बहुत तगड़ी आने वाली है। तो भाई अगर आपने व्लॉगिंग करनी है, रील्स बनानी है, टिकटॉक बनानी है, वीडियो की अकॉर्डिंग आप फ़ोन लेना चाहते हो ना, तो भाई आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है MI 10। अगर आपने अभी तक नहीं चेकआउट किया था, तो मैं आपको फिर से रिकमेंड करना चाहता हूँ, आप चेकआउट कर लेना। इसका डिज़ाइन, इसके कलर वगैरह बहुत प्यारे आते हैं। प्लस MI ब्रांड है, ट्रस्टेड ब्रांड में से आता है भाई, टॉप ब्रांड में से भी आता है, ठीक है। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। तो यार डिस्प्ले की बातों को, 6.67 इंच 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि 90 रिफ्रेश रेट के साथ आती है। प्रोसेसर की बात करूं, आपको स्नैपड्रैगन 865 मिल जाता है। स्टोरेज की बात करूं, आपको 8GB रैम मिल जाती है प्लस 2 वेड में देखने को मिलेगा। 128GB स्टोरेज प्लस 256GB स्टोरेज, जो भी बजट में सेट बैठता है आप उसके और चल जाना। बैटरी की बात करूं, आपको 4780mAh की बैटरी मिल जाती है। 30W का फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, प्लस आपको रिवर्स चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है। कैमरे की बात करूं, आपको क्वाड कैमरा शैडो मिल जाता है, 108MP प्लस 30MP प्लस 2MP प्लस 2MP। सेल्फी की बात करूं, आपको 20MP सेल्फी मिल जाती है। प्राइस की बात करूं, जो यार अगर आप मतलब 128GB वेरिएंट लेते हो ना, तो उसका प्राइस आपको 45,000 के बजट में MI 10 देखने को मिल जाता है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको MI 10 के भी बता दिया। अगर आपने इस स्मार्टफोन के और जाना, आप इस स्मार्टफोन के और भी जा सकते हो। अभी आगे बात करते हैं नंबर थ्री की बात करूँ यार। नंबर थ्री पर मैंने रखा है ASUS ROG Phone 3 को। तो यार वैसे तो ये गेमिंग स्मार्टफोन है, लेकिन गेमिंग स्मार्टफोन के साथ साथ इसका कैमरा भी बहुत तगड़ा मिल जाता है। आप 8K में वीडियो शूट कर सकते हो, कैमरा सच में बहुत सही है। प्लस अगर आपने 4K वीडियो एडिटिंग भी अपने फ़ोन में ही करनी है, तो भाई आप इसमें नॉर्मली इजिली कर सकते हो। इसको रखने का रीज़न है, ठीक है, बिकॉज आपको
प्रोसेसर बहुत तगड़ा मिल जाता है, 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है, प्लस आपको 8K वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिल जाता है। सो दैट्स वाई मैंने इसको नंबर 3 पर रखा, बिकॉज एज अ स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, एज अ डिज़ाइन या लुक वाइज देखा जाए, फोन पूरा लोडेड मिल जाता है। अगर आपने व्लॉगिंग करनी है, ट्रैवल व्लॉगिंग करनी है, मतलब अगर आपने आउटडोर शूट करना है, तो आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है, बिकॉज आपको लॉन्ग बैटरी लाइफ मिल जाती है। यही चीज़ तो चाहिए होती है, ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा था ASUS ROG Phone 3 को, आप जरूर कर लेना, मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ। प्लस अगर आपने हार्डकोर गेमिंग करनी है, तो भाई आपके लिए तो परफेक्ट डील हो सकता है। अभी बात करते हैं ASUS ROG Phone के मेन स्पेसिफिकेशन की। तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.59 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि 144 रिफ्रेश रेट के साथ आती है, जो कि AMOLED HDR डिस्प्ले है। सबसे ज़्यादा अच्छा डिस्प्ले ना ASUS ROG Phone 3 में आपको देखने को मिलता है। 144 रिफ्रेश रेट सच में मैटर करता है, बहुत तगड़ा होने वाला है। प्रोसेसर की बात करूँ, इसमें आपको स्नैपड्रैगन 865 प्लस देखने को मिल जाता है, जो कि प्रोसेसर भी बहुत तगड़ा है। स्टोरेज आपको 12GB रैम देखने को मिल जाती है। तो भाई अगर आपने मल्टीटास्किंग करनी है ना, वो भी आप स्मूथली कर सकोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। प्लस आपको 128GB स्टोरेज मिल जाती है। बैटरी की बात करूं, आपको 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है। अगर आपने हार्डकोर गेमिंग नहीं करनी, अगर आपने ज़्यादा शूट नहीं करना, तो भाई सीधी सी बात है, 6000 mAh की बैटरी मतलब आपके 2 दिन तो ईजिली नॉर्मली निकाल देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। प्लस आपको 30W का फास्ट चार्जर मिल जाता है। कैमरे की बात करूं, आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, जिस पे आप 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, 64MP प्लस 30MP प्लस 5MP। सेल्फी में आपको 4K ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन इसकी सेल्फी भी बहुत अगड़ी, आपको 24MP सेल्फी मिल जाती है। अदर फीचर्स की बात करूं, आपको डुअल USB पोर्ट मिल जाते हैं, RGB लाइटिंग मिल जाती है, प्लस आपको कूलिंग सिस्टम मिल जाता है, प्लस एयर ट्रिगर वगैरह भी देखने को मिल जाता है। प्राइस की बात करूं, इसका प्राइस आपको 45,000 से लेके 48,000 के बजट में ASUS ROG Phone 3 देखने को मिल जाता है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया ASUS ROG Phone 3 की। अगर आपने इस स्मार्टफोन की ओर जाना है, आप इस स्मार्टफोन की ओर भी जा सकते हो, पूरा लोडेड मिल जाता है। अभी आगे बात करते हैं नंबर टू की बात करते हैं। लेकिन नंबर टू की बात करने से पहले मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि नंबर टू को एंड नंबर वन को मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया, बिकॉज दोनों ही जो फ़ोन है ना, वो सैमसंग की ओर से आते हैं। बात कर रहा हूँ सैमसंग गलेक्सी S20 प्लस की एंड सैमसंग गलेक्सी S20 FE की। दोनों फ़ोन बहुत तगड़े हैं, ठीक है। लुक वाइज देखा जाए, कलर वाइज देखा जाए, प्रोसेसर हो गया, डिस्प्ले हो गया, उसके बाद कैमरा हो गया, दोनों में आपको कैमरा बहुत तगड़ा मिल जाता है। बैक कैमरे में दोनों फोन्स में आप ना 8K वीडियो शूट कर सकते हो, फ्रंट कैमरे में आप 4K शूट कर सकते हो, दोनों स्मार्टफोन्स में, ठीक है। तो आप देख लेना भाई, प्रोसेसर भी दोनों में सेम मिल जाता है, डिस्प्ले भी दोनों में सेम मिल जाते हैं। तो आप देख लेना, अगर आपको सैमसंग गलेक्सी S20 प्लस का डिज़ाइन अच्छा लगता है, तो भाई आप उसके और जा सकते हो। अगर आपको सैमसंग गलेक्सी S20 FE का पसंद आता है, तो भाई आप उसकी और जा सकते हो। दोनों आपको 45,000 के बजट में नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं। तो भाई अगर आपने इनकी और जाना है, आप जा सकते हो, इनका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अभी बात करते हैं दोनों के मेन स्पेसिफिकेशन की। तो सैमसंग गलेक्सी S20 FE की बात करूं, पहले डिस्प्ले की बात करूं, 6.5 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि सुपर AMOLED डिस्प्ले है, जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ आती है। प्रोसेसर की बात करूं, आपको स्नैपड्रैगन 865 मिल जाता है। स्टोरेज की बात करूं, को 8GB रैम मिल जाती है, प्लस 128GB स्टोरेज, प्लस आप एक्सपेंडेबल भी कर सकते हो 1TB तक, ठीक है। बैटरी की बात करूं, आपको 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है, प्लस 25W का फास्ट चार्जर, वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, रिवर्स चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है। कैमरे की बात करूं, आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, 12MP प्लस 8MP प्लस 12MP। सेल्फी की बात करूं, आपको 32MP सेल्फी मिल जाती है, सेल्फी में भी आपको 4K ऑप्शन मिल जाता है। अभी आगे बात करते हैं सैमसंग गलेक्सी S20 प्लस की। तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.7 इंच डायनेमिक AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है। प्रोसेसर की बातों को एक्सनॉक्स 990 देखने को मिल जाता है, जो कि 7nm टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है, ये भी बहुत तगड़ा है, ठीक है। स्टोरेज की बात करूं, आपको 8GB रैम मिल जाती है, प्लस 120GB स्टोरेज। बैटरी की बात करूं, आपको 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है। कैमरे की बातों को क्वाड कैमरा शैडो मिल जाता है, 64MP प्लस 12MP प्लस 12MP प्लस 2MP। सेल्फी की बात करूं, आपको 10MP सेल्फी मिल जाती है। प्राइस की बात करूं, इसका प्राइस भी आपको 45,000 के बजट में मिल जाएगा, नॉर्मली इजीली मिल जाएगा। प्लस एक सैमसंग का नया फोन लॉन्च हो गया, तो इसका प्राइस और भी कम होने वाला। अगर आपने जाना है सैमसंग गलेक्सी S20 प्लस की, और आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया सैमसंग गलेक्सी S20 प्लस के भी एंड सैमसंग गलेक्सी S20 FE के भी। अभी आपने देखना है, जो भी आपको स्मार्टफोन सही लगता है ना, आप उसके और जा सकते हो। लेकिन अगर मैं होता तो भाई मैं सैमसंग के फोन्स की और ही जाता, बिकॉज आपको 8K वीडियो ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि सच में मैटर करता है। प्लस आपको फ्रंट कैमरे में 4K ऑप्शन मिल जाता है। तो भाई अगर आपने रील्स बनानी है, टिकटॉक बनानी है, व्लॉगिंग करनी है, सिनेमैटिक शूट करना है, आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। सैमसंग की ओर से दोनों फोन बहुत तगड़े हैं। बात करूँ मैं सैमसंग गलेक्सी S20 FE की,
कि उसका जो वेट है ना वो आपको 40,000 के बजट में मिल जाएगा। अगर आप ज़्यादा पे नहीं कर सकते तो भाई आप उसकी ओर जा सकते हो, अगर आप ज़्यादा पे कर सकते हो आप चल जाना सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस की ओर, ठीक है। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी या वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भेज देना, उनको भी कहना कि चैनल को कर सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक करें, इंस्टाग्राम पे कर फॉलो, लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चाउड कर लेना। प्लस मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपने लैपटॉप लेने हैं, फोन से लेने हैं, हेडफोन से लेने हैं, ईयरफोन से लेने हैं, मैंने सभी की वीडियो की हुई है यार मेरे चैनल पे, आपको देखने को मिल जाएगी, बहुत मेहनत से वीडियो करता हूँ, उसको चाउड कर लेना। अगर आप कोई भी चीज़ लेना चाहते हो सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चाउड करना चाहते हो चाउड भी कर सकते हो। तो भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, कोई नया टॉपिक लेके आएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, थैंक यू।